हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज की वीडियो में हम लगाने वाले साइकिल के अंदर प्रॉप जेट इंजन। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा ये प्रॉप जेट होता क्या है। मैं हूं ना आप सभी को बताने के लिए क्या होता है। आप सभी ने एरोप्लेन तो देखे होंगे, उसके अंदर बहुत सारे इंजन होते हैं जो कि मतलब एक तो होता है जेट इंजन और एक होता है प्रॉप जेट इंजन। प्रॉप जेट इंजन जो होता है उसके आगे की साइड में बड़ा सा प्रोपेलर लगा होता है, जो फंका होता है वो गोल गोल घूमता है और आगे से हवा खींच के पीछे की साइड में फेंकता है और हमारा जो एरोप्लेन है वो धीरे धीरे उठता है और बाद में रनवे के ऊपर दौड़ता है और हमारा टेक ऑफ कर लेता है। और एक और होता है जेट इंजन जो कि होता है बिल्कुल पैक होता है राउंड शेप में, आप सभी ने देखा ही होगा। वो अंदर हवा खींचता है और पीछे से गर्म हवा फेंक देता है, जिससे क्या होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और आगे की साइड में भागता है वो। तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो इंजन है प्रॉप जेट इंजन, वो हम यहाँ पर साइकिल के अंदर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इंजन है उसके साथ में प्रोपेलर लगाएंगे और उसको साइकिल के अंदर फिट कर देंगे और फिर उस इंजन को चलाएंगे और प्रोपेलर घूमेगा, पीछे की साइड में हवा जो फेंकेगा और साइकिल आगे की साइड में भागेगी, जिससे हमारी साइकिल प्रॉप जेट इंजन वाली बन जाएगी। यहाँ पर इसके अंदर एक चेंज ये है कि हमारे पास जेट इंजन नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर 4 स्ट्रोक 52 सीसी का एक पेट्रोल इंजन का यूज करने वाले हैं और इसका जो प्रोपेलर है वो हम घर पे बनाने वाले हैं, उसके अंदर फिट करने वाले हैं। तो चालू करते हैं अपने इस वाली वीडियो को, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। तो गाइस फाइनली ये है हमारी साइकिल जिसके अंदर हम इंजन को फिट करने वाले हैं और पीछे की साइड में प्रोपेलर लगाने वाले हैं। और अब यहाँ पर हमें एक इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमारे पास एक इंजन पड़ा हुआ है 52 सीसी का और इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इस इंजन को यहाँ पर इस टाइप से हम फिट कर देंगे। गाइस फाइनली यहाँ पर दो पीस मैंने कंप्लीट कर लिए इस टाइप से प्लेट के और इनके बीच में यहाँ पर होल कर दिया है और ऊपर भी यहाँ पर होल कर दिया। इसके अंदर हमारे ब्लेड्स कस देंगे हम और ये है हमारी ब्लेड्स जो कि हम इसमें लगाने वाले हैं। तो प्रोपेलर का यहाँ पर सारा सामान लेके आ चुका हूँ मैं और अब सबका साथ सबका विकास करवाते हैं और यहाँ पर प्रोपेलर बनवाते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा प्रोपेलर जो तैयार हो चुका है यहाँ पर और पीछे की साइड में नट बोल्ट्स काफी लंबे हैं तो इनको कट कर देते हैं। तो अब प्रोपेलर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर जो हमारा इंजन है इसके शाफ्ट पे इसको इस टाइप से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा ढीला है, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसको सेट करने के लिए यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर शाफ्ट कनेक्टर बनवाया मैंने लेथ मशीन पर जाकर और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पीछे की साइड में शाफ्ट लग जाएगी और यहाँ पर जो नट बोल्ट लग रहा है जो टाइट कर देगा इसको शाफ्ट के ऊपर और आगे की साइड में भी यहाँ पर इस टाइप का मैंने नट बोल्ट लगवाया है ताकि हम यहाँ पर प्रोपेलर को लगा देंगे और उसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेलर इस टाइप से लग जाएगा, एक वाइसर लगा देंगे ऊपर की साइड में और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रोपेलर है जो यहाँ पर शाफ्ट पे लगने के लिए तैयार हो चुका है। तो गाइस फाइनली हमारा प्रोपेलर लग चुका है, इंजन लग चुका है और अब यहाँ पर हमें एक्सेलेटर को लगाना होगा। यहाँ पर एक्सेलेटर वायर दिख रहा है, इसको यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर हैंडल के यहाँ पर लगाना होगा, जिससे हम एक्सेलेट करेंगे इसकी आरपीएम बढ़ेगी, उसके बाद यहाँ पर टॉर्क जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये साइकिल आगे की साइड में भागेगी।
फ्रेंड यहाँ पर हम बाइक के एक्सीलेटर का यूज करने वाले हैं और यहाँ पर इसको इस टाइप से सेट कर देंगे। सो गाइस फाइनली हमारी एयर साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि हमारा इंजन लग चुका है, प्रोपेलर लग चुका है, एक्सीलेटर लग चुका है और हमारे इंजन से जो एक्सीलेटर वायर निकल रहा है उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है हमारे जो बाइक वाले एक्सीलेटर से और इन दोनों के वायर को मैंने नट बोल्ट के अंदर छेद करके इस टाइप से अच्छे से टाइट कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेक लाइन के अंदर यहाँ पर टाइट होता है वायर, इसी टाइप से हमने यहाँ पर कर दिया है। अब जैसे मैं एक्सीलेट करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा वायर खींचने में आ रहा है जिससे हमारा इंजन की स्पीड बढ़ेगी और हमारी जो साइकिल है वो तेज भागेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना ज़्यादा पावर है, चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट से खींचेंगे, चल गया हमारा, स्टार्ट हो गया ये। अब यहाँ पर ये एक्सीलेटर है, भाइयों यार बहुत ही ज़्यादा इसका प्रेशर बन रहा है अभी यार। मैं आपको इसका जो हवा है वो दिखाता हूँ यहाँ पर, ओ भाई साहब अभी आज देखा आप सभी ने कि हमने इसकी फर्स्ट राइड ली और ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। वैसे इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है बाइक जैसी, लेकिन यार स्पीड है इसके अंदर और पावर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेत वेत थी उस रेत के ऊपर ही आराम से चढ़ के उतर गई और मतलब मेरा जो वेट लगभग 55-60 किलो के आसपास है उसको उठा के चल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, उसके बाद ये कवर लग रहा है जिसके कारण ये इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। इस कवर को हम खोल देंगे जिससे क्या होगा इसके हवा मिलती रहेगी और ये ठंडा रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ और उसके बाद में ये इंजन हमारा निकल गया है, इसको हम थोड़ा ठंडा होता रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है क्योंकि अभी गर्मी भी लग रही है, उस कवर के कारण इसको हवा नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर इसका कवर खोल दिया, अब यहाँ पर वापस से हम राइड लेंगे और देखेंगे इसकी फुल स्पीड, हम पूरा लंबा तक चलाएंगे। अभी हमने शॉर्ट टर्न लेके आगे थे।
तो भाई आप सभी ने देखा भी हाल कि हमारी साइकिल जो है प्रोपजेट इंजन बन चुकी है और अच्छी तरीके से वर्क भी कर रही है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो धीरे 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 उठती है और उसके बाद में स्पीड पकड़ लेती है। आप सभी ने एरोप्लेन भी देखा होगा जब वो टेक ऑफ के लिए जाता है रनवे के ऊपर, तो स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे ही चलता है, उसके बाद में उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद वो उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है। तो उसी टाइप से आप बोलोगे यार डायरेक्टली हम जैसे रेस दबाते हैं बाइक की और जो हमारी बाइक एकदम उछल के भागती है, इस टाइप से नहीं भागता प्रोपजेट इंजन, उसकी धीरे धीरे ही स्पीड बनती है। लेकिन एक बार बन जाती है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसको हम यार जो रोड पर नहीं चला सकते, कोई बाजार के अंदर नहीं चला सकते, प्रॉब्लम यह है कि इसके जो पीछे की साइड में प्रोपेलर घूमता है ना, वो पीछे की साइड में हवा फेंकता है, जिससे क्या होगा कि अगर मार्केट में चलाएंगे तो धूल उड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, कोई अगर आ गया तो उसके टच हो गया तो कट फट सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मार्केट में लेके चले गए ना तो इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोपेलर घूमता है जो उसका साउंड क्रिएट होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर। आप सभी ने एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा होगा कितना भयंकर आवाज़ करता है, उसी टाइप से ये भी बहुत भयंकर आवाज़ करता है। अब आपका काम है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा ये वाला वीडियो, अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना डिसलाइक क्यों कर रहे हो। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पायर बड़ी।